दोस्तों, क्या आप जानते हैं आईब्रोज की बीच की जगह को क्या कहते हैं? या फिर कांटे वाले चम्मच के कांटों का क्या नाम होता है? अगर नहीं तो वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे 10 ऐसी चीज़ों के बारे में जिन्हें हम देखते तो रोज़ हैं लेकिन उनका नाम नहीं जानते। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा फैक्ट का डोज हर रोज़। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, केला तो आप सभी ने खाया होगा और आपने नोटिस किया होगा कि जब केले के छिलके को उतारा जाता है तो उसके अंदर ऐसी स्ट्रिप्स सी होती हैं। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं इनका भी एक नाम होता है? दरअसल इन्हें फ्लोएम बंडल्स कहते हैं। ये जो आप सिंबल देख रहे हैं, आप शायद इसे इन्फिनिटी सिंबल कहते हों, लेकिन आपको बता दें कि इसका असली नाम ये नहीं है। इसका असली नाम है लेमनिस्केट। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे नॉस्ट्रिल्स के बीच का जो भाग होता है उसका भी एक नाम होता है। नाक के इस भाग को कोलुमेला कहा जाता है। दोस्तों, हम दांतों को हेल्दी रखने के लिए रोज़ ब्रश करते हैं, लेकिन ब्रश करने के लिए जो थोड़ा सा टूथपेस्ट हम ब्रश पर रखते हैं उसे क्या कहा जाता है? शायद आप सोच रहे होंगे कि टूथपेस्ट ही कहेंगे और क्या। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आप गलत सोच रहे हैं, दरअसल इसे नर्डल कहा जाता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि कांटे वाली जो चम्मच होती है उसके कांटों का भी एक नाम होता है। जी हाँ दोस्तों, इन कांटों को टाइन्स कहा जाता है। दोस्तों, हमारी उंगलियों के नाखूनों में जो ये सफ़ेद भाग होता है, ये हमारी सेहत के बारे में बहुत कुछ बताता है। कहा जाता है ये जितना बड़ा होता है हमारी सेहत उतनी ही अच्छी होती है और जितना छोटा उतनी ही बुरी। लेकिन इस सफ़ेद भाग को कहा क्या जाता है? दरअसल इस सफ़ेद भाग का नाम लुनूला है। दोस्तों, हमारी नाक के ऊपर और आईब्रोज़ के बीच में जो जगह होती है उसका क्या नाम होता है? तो दोस्तों, आपको बता दें इस जगह को ग्लाबेला कहा जाता है। दोस्तों, हमारे हाथ में चार उंगलियां और एक अंगूठा होता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंडेक्स फिंगर और अंगूठे के बीच की जो जगह होती है उसको क्या कहा जाता है? दोस्तों, इस जगह का नाम होता है परलिक्यू। दोस्तों, हमारी नाक और ऊपर वाले होंठ के बीच में एक सीधी लाइन होती है, इस लाइन को फिल्ट्रम कहा जाता है। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस सिंबल को क्या कहते हैं तो शायद आपका जवाब हो हैशटैग। लेकिन दोस्तों, इसका नाम हैशटैग नहीं, ऑक्टोफर है। दोस्तों, इनमें से कोई ऐसा नाम है जिसे आप पहले से जानते हो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें।